Guys, we have one more question over here. That's from your in-text question. And question says over here, the vapor pressure of pure liquids A and B are respectively 450 and 700 millimeter of mercury. Respectively. Find out the composition. Composition ka matlab hua inke mole fraction find karna hai. Kya find karna hai aapko? Mole fraction. Given that the total vapor pressure of mixture is 600. And uske baad second portion pe ja rahe hai, wo log bata rahe hai ki find out the composition of vapor phase also. But that we'll do afterwards. First, let's find out the composition. They had given this. See, pure vapor pressure, P naught A, they had given 450 millimeter of mercury. P naught B is 700 millimeter of mercury. And P total has been given to us, that is 600 millimeter. And the question mein pucha gaya, find out XA, XB is how much, and after that Y and YB is how much. So we are going to do a very simple thing over here. First of all, hum find karenge, hamare paas formula ye hai, P total equals to P naught A XA plus P naught B XB. Correct or not? P total aapke paas tha 600, P naught A hai aapke paas 450 XA और ये है 700 XB. अभी हमारे पास दोनों अननोन है XA एंड XB, तो एक सिंपल सा तरीका करते हैं. हमें पता है भाई XA जो होता है वो 1 - XB होता है. And let's convert this equation into only one unknown. तो 600 इसको ओपन करेंगे तो 450 - 450 XB प्लस 700 XB. 450 को सामने लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा 600 - 450 विच इज इक्वल टू 150. 700 - 450 बन जाता है 250 XB. देयरफॉर XB इक्वल्स टू 150 / 250. व्हाट्स द आंसर फॉर दैट? 0.6 XB अगर आपको मिल गया तो हेंस XA कितना रहेगा? 0.4 ऑब्वियस है. देयरफॉर XA इक्वल्स टू 1 - XB विच इज इक्वल्स टू 0.4. तो ये तो मिल गया, काफी इजी था. उसके बाद जो हमें फाइंड करना है वो है YA. YA के लिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, हम करेंगे P naught A XA अपॉन P total. P naught A XA, P naught A हमारे पास है 450, XA अभी हमने फाइंड किया 0.6. 0.4, XA इज 0.4, माफ करना, अपॉन P टोटल आपके पास है 600, तो कितना 0.3 आ रहा है. एंड YB की बात करेंगे, YB इक्वल्स टू P नॉट B XB अपॉन P टोटल. P नॉट B आपके पास है 700 इंटू 0.6 अपॉन P टोटल 600 है. काफी इजी सम है, बराबर है. ये सम तो आप लिखोगे, उसके बाद और एक सम करना है. पहले आप इसको लिखो, बाद में नेक्स्ट वाला सम हम खुद करेंगे. सी, वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सिमिलर टू दिस व्हाट वी हैव डन. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना चाहिए. आप करोगे और आप सब कर पाओगे. जरा ध्यान से देखो यकीन. यहाँ पे क्वेश्चन ये, हेप्टेन एंड ऑक्टेन दे आर फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर्स ऑफ द टू लिक्विड components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of the mixture when 26 gram of heptane is mixed with 35 gram of octane? It is similar like the question which we had done the first one. The first question mein humne jo kiya tha, okay, hamare paas do component the A, B aur uske vapor pressures diye gaye. Yahan pe hum ek kaam kar sakte, dekho. मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ. पहले यहाँ पे देख लो, लेट से ये हमारा हेप्टेन है. हेप्टेन का मतलब हो गया हमारे पास ये C7H16 एंड सेकंड है हमारा ऑक्टेन, उसका मतलब हो गया C8H18. दोनों के वेपर प्रेशर हमें दिए गए. इस बार फर्क कितना है कि यूनिट किलो पास्कल में है, तो बस वो ध्यान में रखना है कि आप किलो पास्कल में सब लिखोगे आंसर. ये 46.8 किलो पास्कल है
एंड दोनों के मास दिए गए। तो दोनों के मास में आपको दिया गया है कि इसका वेट था 26 ग्राम। इसको हम पी नॉट ए बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पी नॉट बी, एंड इसका मास डब्ल्यू बी आपको दिया गया है 35 ग्राम। अब पी टोटल फाइंड करना है। सो एज वी नो पी टोटल के लिए हमें फॉर्मूला है हमारे पास पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका, मास से पहले पहले तो इसका मॉलिकुलर मास फाइंड करो दोनों के, दैट यू डू आफ्टरवर्ड्स, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट। ओके, मॉलिकुलर मास फाइंड करने के बाद दोनों के मोल्स फाइंड करो। ओके, दैट विल बी एन ए एंड एन बी, देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड मोल फ्रैक्शन एक्स बी, हाउ यू कैन फाइंड आउट, यू नो अबाउट दैट, एंड आफ्टर डूइंग दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस, करेक्ट और नॉट, ये कर पाओगे। वेट, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन भी कर रहा हूं, यू फाइंड आउट दैट एज वेल एज वाई एन वाई बी, ये आपको खुद करना है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी खुद करना है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कैसे करना चाहिए, प्लीज डू दैट, आप लोग भी कीजिए लूंगा। चलो मुझे बताओ आपका यहां पे एन ए कितना आ रहा था, पॉइंट, एन बी कितना आ रहा है, एक्स ए एक्स बी पॉइंट फोर, एक्स ए एक्स बी पॉइंट फाइव फोर, और फाइनल पी टोटल कितना आया, सेवन वन वन नाइन किलो पास्कल, और वाई ए आपके पास आना चाहिए 0.66, वाई बी आना चाहिए 0.34। अगर आप लोगों ने भी सोल्व किया तो ये आंसर्स मैच होने चाहिए, अदरवाइज कहीं पे आपने किए गफले।